होली का त्यौहार एक दूसरे के साथ प्रेम बांटने का त्यौहार है। हिंदू परंपरा में नए साल के आगमन को होली के रूप में मनाया जाता है और लोग इस दिन एक दूसरे के ऊपर रंग अबीर गुलाल डालकर इस त्यौहार को मनाते हैं। हर किसी की यह चाहत होती है कि त्योहारों पर उनका दिन शानदार गुजरे। इतना ही नहीं, नए साल पर त्यौहार मनाने के दौरान लोग यह भी कामना करते हैं कि उनका नया साल भी पूरी तरह से खुशियों से भरा हो, उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा और परेशानी न आए। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोहर आचार्य बताते हैं कि इस होली को अगर खास तरीके से मनाया जाए तो आने वाला नया साल उनके लिए सुख और समृद्धि लेकर आ सकता है। उन्होंने बताया कि होली के दौरान लोगों को चाहिए कि वह अपनी राशि के अनुसार रंगों का चयन कर होली खेलें। ऐसा करने से उनके जीवन में आने वाली कई प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और उनके जीवन में सौभाग्य का आगमन होगा। सर्वत्र रंग 12 राशियों का अलग अलग प्रमाण है। मेष वृश्चिक राशि वालों के लिए गुलाबी और लाल रंग का अबीर शुभ माना गया है एवं वृश्चिक वृक्ष और तुला गुलाबी और सफेद रंग से अबीर का प्रमाण रंग लगावें अबीर लगावें शुभ माना गया है। और कन्या मिथुन के लिए नारंगी रंग का अबीर हरा रंग का अबीर अपने से गुरुजनों को लगावें और सुख शांति समृद्धि मिलती है। और मकर कुंभ के लिए बैंगनी रंग का अबीर लगाने से सब भाइयों में प्रेम बना रहता है। धनु मीन के लिए राशि वालों के लिए पीला रंग और केसरिया रंग का केसरिया तन शरीर मन निश्चल भाव से प्रेम बनाता है। कर्क सिंह कन्या कर्क सिंह राशि वालों के लिए सफेद और लाल अबीर से सर्वत्र सौहार्द के साथ प्रेम के साथ होली का महापर्व मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सभी राशि के अलग अलग स्वामी होते हैं और उनके लिए अलग अलग रंग होता है। होली के दिन वो चाहें तो उस रंग के कपड़े पहन सकते हैं, उस रंग के गुलाल का इस्तेमाल कर सकते हैं या उस रंग के रंग का इस्तेमाल करके होली मना सकते हैं। अगर आप भी अपनी होली पर शुभ कामनाओं के साथ नए साल का स्वागत करना चाहते हैं और अपने नए साल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी राशि के अनुसार रंगों का चयन कर इस बार होली मना सकते हैं। लोकल 18 के लिए जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।